वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। सारे ये आउटफिट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरी हाइट जो है वो 5.5 है। मोस्टली सारे ही ब्रांड में मैं एल साइज़ के कपड़े पहनती हूँ। एंड एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे इंस्टा आईडी पर भी जा करके चेकआउट ज़रूर करें। मेरा इंस्टा आईडी मेरे चैनल के नाम से ही है, यूट्यूबर सविता, तो आप वहाँ पर भी जा करके एक बार चेक कर सकते हो। मैं वहाँ डेली अपडेट डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ। सो बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना हॉल। फर्स्ट आउटफिट जिसके साथ मैं अपना आज ये हॉल स्टार्ट करना चाहूँगी, अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर सा कलर है। कलर यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि ये इतने ज़्यादा यूज़ में आने वाले कुर्ते हैं ना। कलर वाइट है, बहुत बहुत लंबे टाइम से एक मैं वाइट कुर्ता ढूंढ रही थी जिसे मैं बहुत तरीके से स्टाइल कर सकूँ। सो फाइनली मुझे मिल गया। ब्रांड राज नंदिनी से है, कलर देखो और प्योर वाइट नहीं है ये, ज़रा सा इस पर ना वो ऑफ वाइट आप बोल ले तो ये ज़रा सा ऑफ वाइट टाइप का है, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। फैब्रिक बहुत ही प्यारा सा है, आपको प्योर कॉटन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे पूरे ही आउटफिट पे आपको एक पैटर्न बनाया गया है थ्रेड एंड सीक्वेंस के साथ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा कि कितना प्यारा इस पर जो सीक्वेंस है वो शाइन कर रहा है एंड सुंदर लग रहा है। ऑल ओवर कुर्ते पे वाइट थ्रेड के साथ पहले थ्रेड वर्क है, देन बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे सिल्वर कलर के आपको उस सीक्वेंस के साथ इसकी डिटेलिंग की गई है। कभी कभी भूल ही जाते हैं कि क्या कहना है। सो नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको राउंड नेक मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक छोटा सा, आपको छोटा सा नहीं, यहाँ पे छोटा सा वी कट इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। देन यहाँ पे थ्रेड के साथ उन्होंने बहुत ही सुंदर सा उस पर टैसल्स डाल रखा है, देख लो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे छोटू से ये स्क्वायर है एंड टैसल्स है थ्रेड वाले, सो बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। फैब्रिक बैक साइड पर आपको इलास्टिक नहीं मिल रही है, फ्रंट पर भी आपको, और बस मुझे थोड़ा कलर वाइट है तो इसलिए लाइनिंग उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो अंदर आपको वाइट कलर की कुछ स्लिप ऑन वगैरह वेयर करनी पड़ सकती है क्योंकि कलर वाइट है तो बहुत ही जल्दी विजिबल होता है आपने अंदर किस कलर के इनर वेयर वगैरह पहने हैं, सो इसलिए आपको स्लिप ऑन वगैरह कुछ वेयर करना पड़ सकता है, बस एक यही इसमें है। बट फैब्रिक वगैरह में तो बहुत ही बढ़िया है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको फैब्रिक की वजह से टेंशन लेने की ज़रूरत है। बहुत स्मूथ सॉफ्ट सा एंड कॉटन फैब्रिक है, मस्त वाला है। स्लीव्स पे भी पूरे अगेन स्लीव्स पे आपको वही बॉर्डर मिल जाएगा जो कि फैब्रिक पे फ्रंट पे आपको मिल रहा है, ऑल ओवर आपको वही प्रिंट के साथ मिल रहा है। बैक उन्होंने प्लेन रखा है, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके साथ जो मुझे ट्राउजर आया है अभी वो देख लेते हैं, तो ट्राउजर प्योर वाइट वही फैब्रिक का आपको मिल जाएगा, सेम फैब्रिक, और दोनों ही साइड पे आपको बैंड स्टाइल मिल जाएगा और पॉकेट है, पॉकेट की जो लंबाई है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छा खासा इसमें मेरा हाथ जा रहा है, तो आप अपना फोन, अपनी कीज, थोड़े बहुत कैश, कुछ भी आप इसके साथ कैरी कर सकते हो, तो आपको बोथ साइड पे मिल रहा है। और इस तरीके के पैंट्स ना काफी अच्छे होते हैं क्योंकि आप इसे किसी और दूसरे आउटफिट के साथ भी टीम अप कर सकते हो, सो बहुत ही सुंदर है। नीचे आते हुए आपको इस तरीके से नैरो फिटिंग मिल जाएगी, पेंसिल स्टाइल वाली जो पैंट होती है ना, कुछ उस तरीके की है, बहुत ही सही है, बहुत ही प्यारा सा इसका फिटिंग भी आ रहा था। अब इसकी दुपट्टे की बात आती है, तो दुपट्टा भी बहुत ही वर्सेटाइल है क्योंकि आप इसके साथ तो कर ही सकते हो, आप किसी और भी आउटफिट के साथ इसके दुपट्टे को आप स्टाइल कर सकते हो। सो मेरा तो सजेशन ये है कि ये वाला कुर्ता आप रख लो, आप इसके साथ कभी वाइट के साथ वाइट वेयर करो, वाइट के साथ मल्टी कलर के दुपट्टे के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो इस कुर्ते को। सो बहुत सारे तरीके से आप कुर्ते को स्टाइल कर सकते हो, इसके पैंट को भी कई और दूसरे आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो, दुपट्टे के साथ भी सेम है कि आप कभी इस सेम आउटफिट के साथ पहन लो, किसी और कुर्ते के साथ इसके दुपट्टे को आप कैरी कर लो, सो काफी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। आपको इस दुपट्टे में भी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ना, ये ना रोज़ गोल्ड कलर के आपको स्ट्राइप्स मिल जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट है इस पर जो ये है स्ट्राइप से थोड़े डिफरेंट है, और फैब्रिक कॉटन जैसा है बट इसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मिक्स है, तो कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि आपको ये अनकम्फर्टेबल फील करवाएगा, वैसा कुछ नहीं है। सो बहुत ही कम्फर्टेबल है, बहुत ही बारीक सा आपको यहाँ पर दुपट्टा मिलने वाला है, बहुत डेलीकेट सा, बारीक सा नहीं, बहुत डेलीकेट सा आपको दुपट्टा मिल जाएगा।
जिसके नीचे आपको कुछ इस तरीके से टैसल्स मिल जाएंगे। थोड़ा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसके कुर्ते का इसका जो पैंट है उसकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग ना दुपट्टे में मुझे उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, बट इस पर जो पैटर्न है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर इसका दुपट्टा वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना तो ये आउटफिट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है। बट इस प्राइस रेंज में जिसमें आपको ये पूरा मिल रहा है कंप्लीट सेट, तो उसमें मुझे लग रहा है फिर भी ये बहुत अच्छी डील है। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट ब्रांड बीबा से है, कलर बहुत ही सुंदर सा है, पर्पल कलर का आपको ये आउटफिट मिल जाएगा। ये फैब्रिक आपको ना सिंथेटिक मिल रहा है, सिंथेटिक मिक्स टाइप का है, बट बहुत ही फ्लोई है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही गर्मी लगने वाली है, बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है, काफ़ी लाइट वेट एंड फ्लोई है। जो लोग अपने वर्क स्पेस के लिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं ना कि थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा हो, बट कॉटन के साथ क्या होता है ना पूरे दिन पहनो तो उसमें बहुत जल्दी से ना रिंकल्स आ जाते हैं। सो इस तरीके के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें रिंकल्स जल्दी नहीं आते, इनकी शाइन वैसी की वैसी ही रहती है, और फ्लोई और लाइट वेट होने की वजह से काफ़ी अच्छा सा भी ये होता है। कलर बहुत ही अमेजिंग है, पर्पल कलर है, बहुत ही प्रिटी कलर है। पूरे ही कुर्ते पे आपको ये प्रिंट मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे जिस तरीके का प्रिंट है ना नीचे भी आपको छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके के प्रिंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और इस तरीके का। सो कुर्ता काफ़ी प्यारा सा है, फैब्रिक थोड़ा सा पतला है, तो उन्होंने ना यहाँ पे लाइनिंग प्रोवाइड करवाई हुई, आपको दिख रहा होगा इन साइड पे सेम आपको कॉटन की लाइनिंग मिल रही है। ये बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने जो कॉटन का जो लाइनिंग की जो फैब्रिक की जो क्वालिटी रखी है वो कॉटन का रखा है, ताकि आप पूरे दिन भी अगर आप ये आउटफिट पहन रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। So, पूरा कंप्लीट आपको लाइनिंग मिल रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा मिल रहा है, पूरा नीचे तक आपको मिल रही है, बहुत ही अच्छी चीज है। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो साइड से आपको स्लेट भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, अगेन बहुत अच्छी चीज है ये भी। एंड बैक साइड पे आपको कुछ इस तरीके का छोटे छोटे से आपको प्रिंट्स मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे देखने में, बहुत ही प्यारे से लगते हैं छोटे छोटे से जो प्रिंट्स होते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। देन अगर हम स्लीव्स की बात करते हैं तो 3/4 मिल जाएगा, इस पर भी प्रिंट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको लाइनिंग नहीं मिल रही है, सो सी थ्रू है, तो अच्छा लगता है जब आप वेयर करते हो ना स्लीव्स वगैरह पे थोड़ा सा वो सी थ्रू होता है तो बहुत ही प्रिटी सा दिखता है। सो नेक्स्ट आउटफिट ब्रांड इंडोवेरा से, कलर देख लो, कलर बहुत ही सुंदर है, डार्क बॉटल ग्रीन कलर का आपको ये आउटफिट मिलने वाला है। फैब्रिक कॉटन नहीं है यहाँ पे, कुछ सिंथेटिक फैब्रिक लिख रखा है, बट ये सिंथेटिक जैसा नहीं बोलूंगी मैं, काफी फ्लोई है, काफी कंफर्टेबल वाला फैब्रिक होता है ना वो है, बहुत ही लाइट वेट है यार, लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुर्ते को होल्ड किया हुआ, इतना हल्का सा ये फैब्रिक है। सो बहुत ही अच्छा है, इस तरीके के फैब्रिक की जो अच्छी चीज होती है तो लाइट वेट होता है, इसे बहुत जल्दी क्रीज नहीं आती है, शाइन वैसे ही रहती है, एंड आप पार्टी वगैरह में भी इस तरीके के कपड़े पहन के जाओ ना, बहुत हल्की सी शाइन वाले कपड़े तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो अच्छा है फैब्रिक। तो यहाँ पे अगर हम यॉक पैट की बात करते हैं तो अच्छा खासा आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है, देखो कितना सुंदर पूरा अच्छा खासा आपको यहाँ पे जरी के साथ मिल रहा है, और एम्ब्रॉयडरी की जो क्वालिटी उन्होंने की है ना, जो क्वालिटी मतलब जो उन्होंने डिटेलिंग की हो, ये इतने फाइन तरीके से किया हुआ ना, कलर कॉन्ट्रास्ट का जो यूज किया है गोल्ड रेड एंड लाइट स्काई कलर के साथ, आप ग्रे बोल सकते हो, सो बहुत ही प्रिटी लुकिंग कर रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल हाथ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल इरिटेट नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो नेकलाइन बहुत ही सुंदर है। स्लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो 3/4 मिल जाएगा, यहाँ पे उन्होंने दो गोल्डन फैब्रिक से बोल लो और लेस काइंड ऑफ कुछ चीज़ है जिससे उन्होंने इसकी डिटेलिंग की हुई है, ग्रीन के साथ जो गोल्ड का जो उन्होंने वर्क किया हुआ ना बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो आपको साइड से एक स्लिट मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, काफ़ी बढ़िया सा लॉन्ग स्लिट वाला ये कुर्ता है, खुल भी नहीं रहा है, सो लॉन्ग स्लिट का ये आपको कुर्ता मिल जाएगा कुछ ऐसा, और आपको ना साइड्स पे कुछ इस तरीके से फैब्रिक वाले टैसल्स मिल जाएंगे, इस तरीके के डोरी बना के ना ये भी साइड में आपको हैंग मिलने वाले, तो ये भी एक अच्छी चीज़ लग रही है। थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो एड ऑन हो जाती है ना आउटफिट में, तो वही होता है उस कुर्ते या उस आउटफिट की ब्यूटी, बहुत ही सुंदर सी लगती है देखने में। बैक साइड आपको बिल्कुल प्लेन सा मिल जाएगा, साथ में मुझे ट्राउज़र मिला है, ट्राउज़र सेम फैब्रिक सेम कलर सब कुछ सेम रखा गया है, सो सेमी बैंड स्टाइल आपको ये पैंट मिल जाएगा, इसमें आपको पॉकेट्स मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको पॉकेट्स मिल रहा है, और नीचे आते हुए ये कुछ इस तरीके से नैरो फिटेड हो जाता है, यहाँ पे आपको इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाती है, 4 लाइंस की आपको गोल्डन फैब्रिक से बोल लो और पता नहीं क्या है ये लेस काइंड ऑफ कुछ चीज़ है उससे उन्होंने इसकी डिटेलिंग की हुई है। सो अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाइट वेट है, मुझे लग नहीं रहा है कि इसका वेट, बिल्कुल हल्का सा है ये कुर्ता। सो इस आउटफिट की जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है,
सो दुपट्टा, इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर है। इस कुर्ते को तो मैं दुपट्टे के लिए ही रख लूँ, इतना प्यारा लग रहा है ये। ऑल ओवर दुपट्टे पे आपको इस तरीके का स्ट्राइप मिल जाएगा कुछ ऐसा, और साइड में आपको इसके चारों ही साइड्स पे आपको इस तरीके का रैफल प्रिंट मिल रैफल पैटर्न मिल रहा है, मैं प्रिंट बोल रही थी। सो बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरे दुपट्टे पे आपको इसके ना इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा, जो कि आपको कितना डिफरेंट और कितना यूनिक सा लग रहा है ये दुपट्टा। जब आप इसे वेयर करोगे ना दुपट्टे के साथ, आप जब इसे लगा के निकलोगे तो लोग आपको ज़रूर देखेंगे और ज़रूर आपसे आकर के पूछेंगे कि आपने ये सेट कहाँ से लिया या दुपट्टा कहाँ से लिया, इतना सुंदर लग रहा है। ट्रस्ट मी, ट्राई ऑन में देख पा रहे होगे, और आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट ब्रांड ऑर्लिया से है, कलर ब्लू है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है, रेयन कॉटन फैब्रिक है, काफ़ी कंफर्टेबल सा ये फैब्रिक है, और साथ में यहाँ पे ना लीवा का टैग भी मिल रहा है आपको। सो लीवा का टैग मिल रहा है, डैट्स मीन्स कि फैब्रिक कॉटन एंड रेयन मिक्स होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी माना जाता है। देन इस पर ऑल ओवर कुर्ते पर जो प्रिंट रखा गया है, ब्लू के ऊपर ग्रीन का ये प्रिंट है, और ये ग्रीन ना नियॉन ग्रीन टाइप के प्रिंट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फ्रंट पे आपको इसके अच्छे खासे ये ना फॉइल प्रिंट मिल जाएगा, आपको दिख रहा है कितना सुंदर उन्होंने फॉइल प्रिंट रखा है। और पूरे ही कुर्ते पे आपको छोटे 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 बूटे इस तरीके से मिल जाएंगे, और नीचे भी आपको इस तरीके का प्रिंट मिल रहा है। सो पूरे कुर्ते पे आपको प्रिंट मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी का प्रिंट मिल रहा है, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो राउंड मिलेगा, जिसपे अगेन यहाँ पे वन लाइन उन्होंने सीक्वेंस से उसकी डिटेलिंग करके रखी हुई है, बहुत ही सुंदर, साथ में गोल्डन कलर की पाइपिंग भी की हुई है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो इस पर भी अगेन उन्होंने वन लाइन पूरी सीक्वेंस के साथ उसकी डिटेलिंग करके रखी हुई है, गोल्डन पाइपिंग की हुई है, तो अच्छी खासी डिटेलिंग करके रखी हुई है। साथ में पूरे ही इसके स्लीव्स पे आपको सेम प्रिंट मिल रहा है जो कि कुर्ते में है। फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पे आपको ये प्रिंट प्रोवाइड करवाई जा रही है। कुर्ता स्ट्रेट फिटेड है, तो आपको साइड से एक स्लिट भी मिल जाएगा, कुछ ऐसा स्लिट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको ब्रांड की ब्रांडिंग मिल रही है। सो काफ़ी बढ़िया सा है, आप इसे भी कई तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो, ट्राई ऑन में दिख रहा होगा। मैंने इसे गोल्डन बॉटम और गोल्डन दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है, सो आप भी इसे कई तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो। आप इसके साथ धोती पैंट पहन सकते हो गोल्डन कलर का, वो भी काफ़ी अमेजिंग लगेगा। सो बस यही था आज का मेरा हॉल, आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ या मेरा कंटेंट पसंद आता हो। अगर आपको मेरे वीडियो या मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।